गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। मस्जिदों में अजान पर रोक का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर KDM के आदेश को किया रद्द। गाजीपुर की मस्जिदों में अजान पर रोक का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर KDM के आदेश को रद्द किया। हाईकोर्ट ने मस्जिदों से अजान की अनुमति दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, मस्जिदों में अजान से COVID-19 की गाइडलाइन का नहीं होता है उल्लंघन। अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया। हालांकि लाउडस्पीकर से अजान की नहीं दी अनुमति। कहा, सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति ले रखी है। जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है वो लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं आवेदन। लाउडस्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का करना होगा पालन। BSP सांसद अफजाल अंसारी ने दाखिल की थी याचिका। गाजीपुर KDM ने अजान पर लगा रखी थी रोक। जी आप अपना परिचय बता दें और आज जो कोर्ट का फैसला आया है इसको किस रूप में लेते हैं? नौसाद संख्या एडवोकेट मोहम्मदाबाद मस्जिद जिला गाजीपुर। कोर्ट का फैसला जो आया है अति सराहनीय है, लेकिन जो DM ने यहाँ के तुगलक ये फरमान जारी किया था, हमें तो कोर्ट के आदेश पर भी अभी शक है कि वो लागू होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ परमिशन के लिए हाईकोर्ट का आदेश के साथ SDM के पत्रक देने के बाद वो कहा है कि DM से हम बात करेंगे। हमको तो अभी भी शक है कि कोर्ट का आदेश लागू होगा नहीं, क्योंकि DM जो है मनमानी पर तुला हुआ है। कोर्ट हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ जाएगा तो हमें तो शक है भी, लेकिन जो कोर्ट ने हस्तक्षेप करके आदेश दिया है उससे सभी लोग खुश हैं, लेकिन खुशी तब होगी जब ये पूरी तरह से लागू हो जाए। जी आप अपना परिचय बता दीजिए और आज हाईकोर्ट का फैसला आया है इसको किस रूप में लेते हैं? मुजफ्फरपुर चंदा मोहम्मदाबाद। हाईकोर्ट का फैसला जो आया है वो बहुत ही सराहनीय है, माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग धन्यवाद देते हैं। मगर ये फैसला सवाल इस बात का है कि माननीय उच्च न्यायालय को लेना क्यों पड़ा। इस माननीय जिलाधिकारी का जो फैसला था बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया फैसला था, जिसकी निंदा सारे लोगों ने किया, जिले के सारे लोगों ने किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों ने किया। इसमें इंटरफेयर करना पड़ा माननीय उच्च न्यायालय को। माननीय अफजल अंसारी के द्वारा रीट की गई, जब उन्होंने DM से बात किया, DM ने कोई तरजीह नहीं दिया, सारे नेताओं ने बात किया, बड़े नेताओं ने बात किया जो सेकुलर मानसिकता के हैं, उन लोगों ने बात किया कि भाई अजान से क्या मतलब है, कोरोना से अजान से क्या मतलब, 1.5 मिनट का अजान होता है उससे क्या मतलब है। उसके बावजूद भी DM लोकल नेताओं के दबाव में या जिस दबाव में, इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई परमिशन नहीं दिया। तो आखिर में माननीय सांसद जी ने उच्च न्यायालय में रीट किया, रीट DM के फैसले के खिलाफ थी। आज वो फैसला आया है DM के फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय का, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस मानसिकता के अधिकारी को जिले में रहने का कोई हक नहीं है। जो अपने तरीका से जिला चलाना चाहता है, जो विवाद पैदा करना चाहता है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जिलाधिकारी हो, आपको सबको लेके चलना है और इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करने का उनको हक नहीं है। ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय का इस बात का सबूत है कि आप गलत कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर माननीय उच्च न्यायालय का कि उन्होंने इस बात न्याय को जिंदा रखा है। लोग सारे लोग न्यायालय पे करते हैं और करते रहे। ये आप अपना परिचय बता दें और आज कोर्ट का फैसला आया है इस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है? मेरा नाम अब्दुल वाजिद है, पूर्व प्रधान पखनपुरा हूँ। आज का जो फैसला आया है अति सराहनीय है। गाजीपुर जनपद का हर तबके के लोग, ऊंच नीच, छोटे बड़े, हिंदू मुसलमान, सारे लोग एक खुशी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो DM महोदय हैं उनका तुगलकी फरमान जो जारी हुआ था आज से कुछ दिन पहले कि मस्जिदों से अजान नहीं होगी, क्योंकि वो कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग को डिस्टर्ब करता है। लेकिन अजान से और कोरोना से और सोशल डिस्टेंसिंग कोई छुआछूत नहीं है, कहीं से 1% का भी कोरोना को या इसको नुकसान नहीं है। इस तुगलकी फरमान को माननीय उच्च न्यायालय ने अफजाल अंसारी के पथक प्रशासन से इसको निरस्त किया और अजान देने की थोड़ी छूट दी। इस तरह से पहले अजान होती थी, आज भी उस तरह से अजान होती रहे, जिससे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति को बर्दाश्त।